एशियन गेम्स और पैरालंपिक भी तो आपकी परीक्षा थी गिरे पड़े हारे रोए बार बार प्रधानमंत्री जी ने आपको हौसला दिया हर बार फिर निकल पड़े सीना ताने एशियन गेम्स में रिकॉर्ड मेडल और टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास बना कर ही माने आपने तो परीक्षाओं पर मेरा भरोसा बढ़ा दिया अब मेरे एग्जाम आ रहे हैं आप ही की तरह मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ करने जा रही हूँ अपने स्कूल और अपनी लाइफ की परीक्षा पर चर्चा दोस्तों आप भी माई जी ओ वी डॉट इन रजिस्टर करके मेरे साथ चल सकते हैं परीक्षाओं से डरेंगे तो अमृतकाल में विकसित भारत कैसे बनाएंगे ज्वाइन ऑन परीक्षा पे पर चर्चा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर चाली है डालफ मैसेज हो गए hi hi everybody good afternoon good afternoon everybody good afternoon sabhi ko madhyan kalin namaskar good afternoon everybody today is 27th of january 2024 day number 27 accept accept what you can't change and change what you can't accept accept what you can't change and change what you can't accept

so always try to improve always try to improve every day kal aaj se hona chahiye. that's all kal aaj se hona chahiye. so 1% better each day is a better strategy this is daily quiz question number 1 this is question number 1 consider consider the following statements regarding last ice area seen in news consider the following statements regarding last ice area पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग है और जो ग्लेशियर्स हैं आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लास्ट आइस एरिया सीन इन न्यूज द लास्ट आइस एरिया इज लोकेटेड इन द पोलर डेजर्ट्स ऑफ अंटार्क्टिका ये पोलर डेजर्ट्स ऑफ अंटार्कटिक स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रहा है वॉट एपन स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रहा है रिफ्रेश 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 इट 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 ऑल गुड फ्रॉम साइड स्ट्रीम इज सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लास्ट आइस एरिया सीन इन न्यूज़ द लास्ट आइस एरिया इज लोकेट इन द पोलर डेजर्ट्स ऑफ अंटार्क्टिका ये पोलर डेजर्ट्स में अंटार्क्टिका में बर्फ़ होती है तो लास्ट आइस एरिया भी बर्फ में है द एरिया हैज़ अ स्टूब्ड स्टॉप्ड मेल्टिंग स्टॉप्ड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सो यहाँ पर बिकॉज लास्ट आइस एरिया है तो यहां इतना ज्यादा आइस है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम कर पा रहा है इट्स स्ट्रॉग इनफू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सो टेल इसका आंसर क्या होगा ए बी सी या फिर डी तो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है देखो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए करेक्ट और इनकरेक्ट में सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं द राइट आंसर इज सी ये क्वेश्चन नंबर टू है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर व्हाट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या फिर नन ऑफ द अबोव तो व्हाट इज दिस दिस इज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स तो ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर नन ऑफ द अब सो टेल व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर सही जवाब क्या है ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नहीं होती है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में भी नहीं होती है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी नहीं होती है द राइट आंसर इज डी एक्चुअली ये जो बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी इसके लिए ये आया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सेक्शन 37 सेवन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू के अंदर सो so ये तीनों नहीं है इसका अलग से एक्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। थाउजेंड टू दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री कार्बन सिक्विस्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमोसफियर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन सिक्विस्टरेशन क्या होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमोस कार्बन डाइऑक्साइड इज इट ट्रू फॉरेस्ट एंड अदर लैंड वेजिटेशन एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइडोसिंथे वेज ऑफ कार्बनशन सो कार्बन सिक्विस्टरेशन का एक वे है जिसमें फॉरेस्ट और जो दूसरे वेजिटेशन है वो एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एन एरिया विच एब्सॉर्ब मोर कार्बन रिलीज इट इज कंसिडर्ड एज कार्बन सिंक तो कार्बन सिंक क्या होता है वो एरिया जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है इंस्टेड ऑफ रिलीज तो ओवरऑल वो सिंक की तरह काम करता है कार्बन उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और रिलीज कम होता है सो हाउ मेनी स्टेटमेंट यहां पर राइट right आंसर है सी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एब्सोलूटली ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, है और थर्ड इज ऑल्सो ट्रू क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे बात है कार्बन क्रेडिट की कार्बन क्रेडिट एक इलेक्ट्रॉनिक

जो ऑप्शन स्टेटमेंट वन एंड टू दिया हुआ है दे आर इजी स्टेटमेंट्स बट द थिंग इज़ दे आर लेंदी स्टेटमेंट्स लेंदी स्टेटमेंट से क्या होता है इसमें टेस्ट होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ए की रिपोर्ट क्या बोलती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारी रीडिंग एबिलिटी नहीं होती तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग को अंडर एस्टिमेट मत करिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ना आना चाहिए जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए और जल्दी सोचना और बोलना भी आना चाहिए तो रीडिंग को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए यू शुड हैव रीडिंग कैपेसिटी और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसी भी सॉल्व करने चाहिए क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा तो आंसर कैसे आप बताओगे तो कार्बन क्रेडिट एक इलेक्ट्रॉनिक और सीरियलाइज यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वन टन सीओ इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड अवॉइडेड सिक्विस्टर्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट सप्लाइंग एन अप्रूव्ड कार्बन क्रेडिट ये नहीं है कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है आपके पास कितना स्कोप है क्रेडिट पॉइंट्स कितने अवेलेबल हैं जितना आप कार्बन यूज कर सकते हो डीकार्बोनाइजेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इंडिविजुअल कार्बन एमिटिंग एंटिटी रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स एमिशन ओवर टाइम सो यहाँ पे राइट right आंसर है ए क्योंकि ये जो है ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है सेकेंड इज ट्रू फर्स्ट इज नॉट ट्रू सो द राइट आंसर इज ए द राइट आंसर इज ए डीकार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डीकार्बोनाइज कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इंडिविजुअल कार्बनटी रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी राइट आंसर इज ए दिसव यह हैल स्मोग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन दट इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ सनलाइट

देखो इधर भी क्या पूछा गया है यहां पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट फोटोकेमिकल स्मोव और यहाँ पे क्या लिखा है स्ट्रेटो स्फेरिक ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मतलब दिस इज नॉट इन से नीचे नहीं है ये हाइट पे है स्ट्रेटोस्फेयर पे है सो व्हाट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज बी बिकॉज ये गलत है और ये ट्रू है सो द राइट आंसर इज बी सो आपने देखा एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है MCQ, सी क्यू टेस्ट सीरीज एट्सट्रा दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बट हर चीज़ का एक समय होता है ये जो समय होगा टेस्ट सीरीज का वो स्टार्ट होगा अब क्योंकि हमें फोर्टीन ऑफ फेब्रवरी तक पहले सबको पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये चार चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे करो इसके बाद अगर आप आंसर्स टेस्ट सीरीज फुल लैंड टेस्ट ऐसे देखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए ये टेलीग्राम क्विज है एवरी डे वी आर हैविंग फाइव सच एम सी क्यूज इन अवर टेलीग्राम चैनल अटेम्प्ट अटैम्प्टीज क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज वन है इसकी क्लासेस कल से हम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं ये पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स है पहले हम प्रिलिम्स टारगेट करेंगे फिर हम मेन्स टारगेट करेंगे फिर हम इंटरव्यू भी टारगेट करेंगे देन दिस इज फाउंडेशन इसमें अभी सारे कोर्स सब्जेक्ट्स फोर्टीन ऑफ फोर्टीन ऑफ फैब तक कंप्लीट हो जाएंगे हम कई बार वर्ड एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्चुअली इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वी कैन से एब्सोल्यूटली वी कैन से इन डीड वी कैन से लिटरली रियली वेरी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डी फैक्टो जेन्युइन है इनफैक्ट really, fact. है इन पॉइंट ऑफ फैक्ट है इन रियलिटी है इन ट्रूथ है, है या फिर वो वेरीटेबल है सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग वन वर्ड अगेन एंड अगेन वी शुड हैव अ रिच वोकैबुलरी दिस इज एक्चुअली ये है सोशल मीडिया अपडेट और इसमें 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे आंसर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इसराइल अब्दुल फतेह अल ऑफ मिस्र इमैनुअल मैक्रो ऑफ फ्रांस या फिर जायर बोल्सोनारो ऑफ ब्राजील सो आपको बताना है सेवेंटी फिफ्थ गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट सो द राइट आंसर इज दिस पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किन्होंने किया था पिंगाली वेंकैया हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल एंथम हैज बीन प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड कितने बार नेशनल एंथम प्ले हुआ है ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड वंस ट्वाइस थ्राइस और फोर टाइम्स वंस ट्वाइस थ्राइस और फोर टाइम्स डिड यू नो मे चिलीका लेक होल्ड्स द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बींग सोल एशियन रामसर साइट रिमूव फ्रॉम द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड फॉलोविंग इट सक्सेसफुल रिस्टोरेशन तो चिलिका लेक हमने पढ़ा था एक होता है रामसर साइट का लिस्ट और दूसरा होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड तो चिलिका लेक मतलब चिलिका लेक में बहुत डिफिकल्टीज आ गई थी बट चिलिका लेक सक्सेसफुली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिकवर हुई है रिमूव फ्रॉम द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड फॉलोविंग इट सक्सेसफुल रिस्टोरेशन ये रेनुका वेटलैंड है ये वाइटल वेटलैंड है हिमाचल की शिवालिक पे है रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है ये फेड बाय रेन वाटर एंड स्प्रिंग्स है वेटलैंड रेन इसमें परशुराम ताल से आता है इसमें एनुअल रेणुका जी इंटरनेशनल फेयर भी लगता है जिसमें लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं यह है रुद्र सागर वेयर इज रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है रिमेंबर रुद्र सागर इज इन त्रिपुरा ये एक फ्लड प्लेन वेटलैंड है जिसमें तीन पेरेनियल स्ट्रीम आती हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ फिशरीज और एग्रीकल्चर सपोर्ट करते हैं या डाइवर्स वाटर वाटर बर्ड्स भी है रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं यहाँ पे यह है ह्यूवन सेंग हूज़ होैन सेंग वैन सेंग कौन थे इनका एक मेमोरियल हॉल है और ये कहाँ पर है बिहार में है व्यवैन सेंग ये किन के किन के रीन में वैन सेंग का विजिट हुआ था इंडिया में दो इंपॉर्टेंट नाम है फाहान और हैन सेंग तो दिस इज वैन सेंग देन दिस इज एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह से लें डॉक्टर के अलावा किसी अन्य की सलाह पर एंटीबायोटिक का सेवन न करें अब यहाँ पर है साड़ी मैप ऑफ इंडिया ये अनंत सूत्रा है गवर्नमेंट इसको बहुत एनकरेज कर रही है अनंत सूत्रा को अनंत सूत्रा जम्मू एंड कश्मीर का, का काशिदा है पंजाब की फुलकरी है हिमाचल प्रदेश की कुल्लूवी पाटू है यूपी की बनारस है बिहार का भागलपुर है असम का मोगा है मणिपुर का मोयराम फी है राजस्थान में कोटा लहरिया है गुजरात का पटोला है एमपी में चंदेरी है महाराष्ट्र में पैथनी है कर्नाटका में मैसूर सिल्क है केरला में कासावू है तमिलनाडु में कांजीवरम है तेलंगाना में पोचम पल्ली है छत्तीसगढ़ में कोसा है और ओडिशा में बॉमकाई है और वेस्ट बंगाल में टांट है ओके सो दीज आर साड़ीज दीज आर द साड़ी मैप ऑफ इंडिया आप है एम फातिमा बीवी एम फातिमा बीवी जी फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज थी आप फर्स्ट वुमन सुप्रीम कोर्ट जज इन एशिया हैं आप पायोनियर जस्टिस हैं विद एन इले करियर स्पैनिंग फोर डेकेट तो पॉस्ट्युमसली आपको पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है 2024 पब्लिक अफेयर्स में आप केरला से आती थी आप हैं विजय कांत जी सेलिब्रेटेड तमिल फिल्म एक्टर हैं पॉलिटिकल लीडर भी हैं और पद्म भूषण दो आपको आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है आप हैं कुंदन व्यास जी वेटरन जर्नलिस्ट हैं लीडिंग रेस्पेक्टेड मीडिया ग्रुप जन्मभूमि फॉर फाइव आपने लीड किया है तो आप लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में फ्रॉम महाराष्ट्र सो दिस सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे अब हम क्विकली द हिंदू न्यूजपेपर में आते हैं सो दिस इज सैटरडे जनवरी ट्वेंटी सेवेंथ देन इसराइल मस्ट प्रिवेंट जेनोसाइडल एक्ट्स इन गाजा यूनाइटेड नेशन कोर्ट का रूलिंग है फायर इन अ रेट होल कोल माइन किल सिक्स वर्कर्स ये क्या है रेट होल माइनिंग्स दिस इज रेट होल माइनिंग्स रेट होल माइनिंग अभी यूज था ये टर्म यूज हुआ था टू रेस्क्यू माइनिंग वर्कर्स रिसेंटली वो कौन सी माइन थी क्या आप बता सकते हो किस टनल की डिगिंग में डिफिकल्टी आई थी डिजास्टर हुआ था और फिर हमने रेट होल माइनिंग टेक्निक से वहां पर रेस्क्यू किया था रिस्किंग लाइफ फॉर अ लिविंग टू एस्केप पॉवर्टी थाउजेंड अप्लाई फॉर जॉब्स इन इजराइल

इंडिया और फ्रांस, के फ्रांस वैसे भी इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे लाने की बात है एंड द गुडिंग इज को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट मतलब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पर देखेंगे आगे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है जेट इंजिन पे तो इंडिया और फ्रांस ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की बात की कोऑपरेशन है फ्यूचर कोलैबोरेशन है को डिजाइन और को डेवलपमेंट में नोट डाउन टू वर्ड्स को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट मिलिट्री हार्डवेयर का हम भी रशियन मिलिट्री हार्डवेयर से एक थोड़ा डाइवर्सिटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम एक्चुअली हार्डवेयर रशियन ओरिजिन है हम कोशिश कर रहे हैं इसमें अमेरिकन भी आना चाहिए और यूरोप भी वी आर ट्राइंग को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट सो दिस इज गुड ये एक रोड मैप है अभी मैक्रो मिस्टर मैक्रो जयपुर में भी अभी एक रोड शो भी हुआ था डिफरेंस ओवर सम ऑफ द लैंग्वेज ऑन द रोड मैप हेल्ड अप ज्वाइंट स्टेटमेंट बट इसको अभी रिलीज किया जाएगा सो so, यहाँ पे एमओ यू साइन है डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में सेटेलाइट लॉन्चेस में भी हेल्थ एग्रीकल्चर और एजुकेशन में भी नेगोशिएशन है बिग टिकट गवर्नमेंट डील्स में भी जैसे कि रफेल रफेल अभी पहले हमने रफेल लिया था एयरफोर्स के लिए अभी रफेल जो आ रहा है वो नेवी के लिए रफेल आ रहा है रफेल फॉर नेवी जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग पे भी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सबमरी फ्रांस का सबमरी में काफी स्ट्रोंग से है सो सबमरी में भी जॉइंटैक्ट की बात है सो दिस इज रियली गुड अब प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट होगा पेरिस में इसमें लास्ट जुलाई में ये बात हुआ था सिविलियन हेलीकॉप्टर की भी बात है और एयरबस और टाटा का भी जॉइंट कोलेबोरेशन होगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो इंडिया एंड फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको डिक्टेट करेंगे ये है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ये द हिंदू लिट फेस्टिवल ऑफ टू ग्रांड स्टार्ट तो ये ट्वेल्थ एडिशन है हिंदू लिटरेचर फेस्टिवल का इसमें राइटर्स इकोनॉमिस्ट परफॉर्मर्स थिंकर सब यहाँ पर आ रहे हैं सो दिस इज द फ्रंट पेज ये अगेन बहुत अच्छा न्यूज है रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा सो वेर इज काजीरंगा काजीरंगा इज इन उत्तराखंड नो वेर इज टाइगर रिजर्व काजीरंगा सो रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा एनकाउंटर वाइल्ड माइट नेवर हैपन अगेन एक तो वाइट टाइगर्स है वाइट टाइगर्स कहाँ पे मिले थे वाइट टाइगर्स रीवा डिस्ट्रिक्ट में मिले थे मध्य प्रदेश में रीवा और ये है गोल्डन टाइग टाइगर तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने इसको अभी कैच किया है तो दिस इज अनयूजल साइटिंग ये गोल्डन टाइगर है जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में डिटेक्ट हुआ है तो इसमें ये फोटो आया है दिस इज अ रियली गुड थिंग और ये मेल एडल्ट गोल्डन टाइगर है और यहाँ पे इसका फोटो क्लिक हुआ है एग्जैक्ट काउंट हमें पता नहीं है बट काजीरंगा में हमें गोल्डन टाइगर्स अभी मिले हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये जो सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं कुछ टाइम पहले ब्लैक टाइगर्स दिखे थे ब्लैक टाइगर्स और ब्लैक टाइगर्स कहाँ से थे ओडिशा से थे ब्लैक टाइगर ओडिशा में थे कौन सा टाइगर रिजर्व था सिम्बली पाल टाइगर रिजर्व था तो वो सूडो मेलानिस्टिक टाइगर इन द सिमली पाल टाइगर रिजर्व और अभी गोल्डन फेनो मिला है काजीरंगा में सो अभी इसके सैंपल्स हम देखेंगे चेक करेंगे द टाइगर लुक्स गोल्डन बिकॉज इट हैज अ म्यूटेशन इसमें क्या हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है जेनेटिक वेरियंट का टाइगर्स के तीन कलर होते हैं ब्लैक ऑरेंज और व्हाइट अब इसमें जो कलर डोमिनेट करता है तो उसके हिसाब से डिफरेंट शेड्स बन सकते हैं सो दिस इज रेयर गोल्डन टाइगर इन काजीरंगा। यूनियन गवर्नमेंट इट क्लियर दैट आधार कार्ड नो सिटीजनशिप बर्थ डेट तो आधार जो है बस ये बताता है कि यू आर दिस पर्सन दट इसके अलावा आधार और कुछ भी नहीं बताता है तो यूनियन गवर्नमेंट मेक्स इट क्लियर दैट आधार कार्ड नो प्रजनशिप बर्थ रेट तो नया आधार कार्ड है पीडीएफ वर्जन भी है अब उसमें गवर्नमेंट एक्सप्लिसिट डिस्क्लेमर देने लग गई है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है नॉट ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ तो अगर एमसीक्यू में स्टेटमेंट आता है आधार इज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा बट इट इज नॉट अ प्रूफ उसमें आधार में इंडिया सारा स्टैंप लगा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बट इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इट इज ओनली अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अगर आप ए हो तो आधार ये प्रूफ करता है कि आप ए पर्सन हो कैसे प्रूफ करता है बायोमेट्रिक्स से आपका आइरिस आपके फिंगरप्रिंट और आपका फेशियल रिकॉग्निशन सो दिस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दैट्स ऑल यस आइडेंटिटी ऑफ पर्सन बस बताता है ये ना तो बर्थ सर्टिफिकेट है ना ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है आधार एक्चुअली हम फॉरेनर्स भी आधार ले सकते हैं आधार में आपको से 180 दिन तक इंडिया में हो तो आप आधार के लिए अप्लाई कर सकते हो यू आर लिविंग इन इंडिया फॉर एन 180 डेज तो आप आधार के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सो ये बात है अब इसमें क्यू आर कोड भी होगा जिससे आप वेरीफाई कर पाओगे यू आई डी ए आई ने बताया वार्निंग भी यहाँ पे आएगी एक्चुअली अभी बात आया था जैसे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था उसमें ये बोला गया था कि वार्निंग इज इम्प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ ऑल आधार कार्ड एंड डिजिटल कॉपीज इशूड टू ऑल इंडियन रेसिडेंट्स आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ बर्थ आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ये जो 12 डिजिट का आई है ये बस एक यूनिक नंबर है रेसिडेंस बट डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज इसको कई बार यूज भी करती है बट पर अभी क्लियर हो गया है तो हमें यही चीज याद रखना है ये बर्थ का नहीं है ये सिटीजनशिप का गारंटी नहीं है ऑल राइट right? तो आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बर्थ डेट ऑलरेट इट्स जस्ट एन आइडेंटिटी कि यू आर यू आप ये हो इस बात का सबूत ये है दैट्स ऑल इसके अलावा ना तो ये बर्थ का है ना तो ये डेट ऑफ बर्थ का है और ना ही सिटीजनशिप का है एयर क्वालिटी प्लमेट इन दिल्ली स्ट्रिक्टर कर्ब ऑन होल्ड फॉर नाउ तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है स्टेज थ्री अभी एक्टिवेट करने की बात आ गई एफर्ट्स हैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंक्लूसिव सिटी बनाने का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे बताया कंटेंजेंट है कर्तव्य पथ पे देन दिस इज एडिटोरियल फर्स्ट इज पॉलिटिकल देन सेकेंड में भी बात है रशिया यूक्रेन एंड नेटो ये जो एंडलेस वॉर है ये गलत है एंडलेस किलिंग ऑफ पीपल इज रॉन्ग एंडलेस किलिंग ऑफ सिविलियन पीपल इज रॉन्ग एक तरफ अगर टेररिज्म गलत है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड भी गलत है सो द थिंग इज हमें इस एंडलेस वॉर को स्टॉप करना ज़रूरी है रशिया यूक्रेन एंड नेटो शुड मेक अ प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ द वॉर तो ये जैसे यूक्रेन क्राइसिस भी लास्ट टू ईयर से हो रहा है अभी दिस इज़राइल एंड हमस क्राइसिस भी हम देख रहे हैं तो ये बैटल ग्राउंड बन गया है एक्चुअली पावर प्रोजेक्शन का और इसमें पे कौन कर रहा है जिस जगह पे वॉर हो रही है वॉर कहाँ पे हो रही है पैलेस्टीन में हो रही है वॉर कहाँ पे हो रही है यूक्रेन पे हो रही है तो सोर लूजर सोर लॉसेस कहाँ पे हो रहा है पैलेस्टीन को नुकसान हो रहा है और यूक्रेन को नुकसान हो रहा है तो we need to find a way. On हमारा पनिशमेंट देने का केवल तीन फैक्टर होते हैं पनिशमेंट हम देते हैं क्यों देते हैं पनिशमेंट देते हैं ताकि वहां पे जस्टिस आ पाए पनिशमेंट हम देते हैं ताकि वहां पे डेटरेंस आए पनिशमेंट हम वहां पर देते हैं ताकि वहां पर से एक 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 वार्निंग भी वहाँ पे होना चाहिए डेटरेंस होना चाहिए जस्टिस होना चाहिए और वो एक कंसिडर एज अ रिफॉर्म भी होना चाहिए सुधार भी होना चाहिए दैट इज़ वाई हम उसको सुधार ग्रह बोलते हैं जस्टिस रिफॉर्म्स और डेटेरेंस और ये जो चीज़ें होती है ये ही मुद्दा होना चाहिए पनिशमेंट देने का पनिशमेंट कभी भी रिवेंज के बेसिस पे हम कोई काम नहीं करते हैं रिवेंज के बेसिस में वी डोंट डू एनी वर्क सेकेंड यहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ हुई जैसे जो एट्रोसिटीज़ हुई बिल्किस बानो केस में इसमें बाद में वहां पर जो पनिशमेंट मिला था उसको रेमिट करने की बात आई थी पर अगर हम पनिशमेंट मिला है उसको रेमिट कर रहे हैं तो इससे तो इनजस्टिस हो रहा है सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमिजन नहीं मिलेगा जेल में रहना जरूरी है फॉर से जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया रेमिजन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन टू क्वाश द रेमिजन किया

all citizens are equal in front of law so the applause the verdict has received is a testament to the collective yearning for a justice system that stands unwavering against impunity so this is good though the thing is prisons may india must commit to fostering a society where survivors voice are heard their pain acknowledged and their quest for justice validated क्वेस्ट फॉर जस्टिस मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड बियॉन्ड कोर्ट रूम्स टू एनकम्पास कमिटमेंट टू बिल्डिंग एन इको सिस्टम दैट जेनवनली एड्रेस द रूट कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एंड फैसिलिटेट्स लास्टिंग चेंज इस क्रिमिनल बिहेवियर क्रिमिनल टेंडेंसी को कम करना भी बहुत ज़रूरी है जब से सोशल मीडिया और इंटरनेट है अक्सर हम देख रहे हैं इवन जो बहुत यंगस्टर्स हैं टीन एजर्स हैं यहाँ पर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिल रही है और क्रुअलिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है तो लॉ मस्ट टेक इट्स ड्यू कोर्स सो दिंग इज इस में नीड फॉर मोर नोएसड अप्रोच है वी अपलोड द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स We must collectively commit to fostering a society where survivors' आर are heard, their pain is acknowledged, and their quest for justice is invalidated. तो इसमें ये जस्टिस जो दिया है इसको अपलॉट किया गया है क्रिमिनल लीगल सिस्टम then इसमें हार्वर्ड का हाई प्रोफाइल एग्जिट है दिस इज़ रिस्किंग लाइफ फॉर लिविंग तो सी अगेन जैसे इज़राइल में इंडिया में ब्लू कॉलर वर्कर्स की काफ़ी डिमांड होती है वर्ल्ड में और इंडिया वहाँ पे लेबर सप्लाई देता है तो जैसे बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो अरेबियन पेनंसुला में वर्क करते हैं सऊदी में यू में कतर में बहरीन में बहुत थाउजेंड हंड्रेड एंड थाउजेंड लैक्स ऑफ पीपल यहाँ इंडियन वर्क करते हैं सिमिलरली कुछ यूएस में यूरोप में तो इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है सो so, हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करते हैं अभी इसराइल को रिक्वायरमेंट है तो इसराइल का अभी दिस एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चल रहा है रिस्किंग लाइफ फॉर अ लिविंग तो इस पर रिलेटेड ये आर्टिकल है इमेजिनिंग इंडिया वुमन नेशनलिस्ट सो दिस इज डांसर अनिता राम ड्यूरिंग द सेशन परफॉर्मेंस हुए डिस्कसिंग बॉडी पॉजिटिविटी एंड वोक कल्चर आइडिया ऑफ बाहुबली ये लिट फेस्टिवल चल रहा है सब्जेक्टिव जर्नलिज्म इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन और जर्नलिज्म में डिफ्रेंस होता है बिहाइंड द सीन है ड्रामा अनलाइकली देन दिस इज इनफोसिस विजार्ड ऑफ वर्थ वर्ड मिस्टर थरूर इंडिया दो में कैसा होना चाहिए एजुकेशन होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना चाहिए इकॉनमी बेटर होना चाहिए फैसिलिटीज़ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए पीस होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड देन दिस इज़ नेक्स्ट वन संगम पोएट्री है कार्नेटिक ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स चल रहे हैं लिट फेस्टिवल में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे देन ट्रायम्फ स्पोर्टिंग एंड अगेंस्ट अदरिंग एंड फेनेटिजिज्म भी नहीं होना चाहिए मोब mob, मोबोक्रेसी भी नहीं होना चाहिए इंडिया इज नॉट अ मोब नेशन इंडिया में मोबोक्रेसी नहीं होना चाहिए देन ये दहली पुलिस वुमेन है सेवेंटी फिफ्थ रिपब्बलिक डे परेड में ऐसी बहुत सारी झांकियां निकली है इसी का मैं आंसर राइटिंग आज जो आपको दे रहा हूँ कल जैसे हमने फाइव इंपॉर्टेंट थीम्स थी मेन्यू ऑफ यू आपने कंपाइल किया है पूरा रिपब्लिक डे परेड को इसको अब एक बार लिख लो अच्छे से तो आज के आंसर राइटिंग में आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन सो परेड ग्राउंड एंड भी था वुमेन पावर एंड ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट मार्चिंग ऑन कर्तव्य पथ ऑन रिपब्लिक डे सो दिस वॉज रियली रियली गुड रिपब्लिक डे में ये प्रेसिडेंट के हॉर्स ड्रॉन बग्गी भी होता है रिटर्न्स टू ड्यूटी रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट का एक अपना खुद का यूनिट होता है प्रेसिडेंट को गार्ड करने के लिए एक अलग से यूनिट होती है विजिटर्स अंडर गो सेवन लेयर्स ऑफ स्क्रीनिंग और ये कल्चर मिनिस्ट्री का टेबलू था हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया में अब जैसे इसमें क्या बताया मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है इंडिया फर्स्ट ट्रैक्टर जो वैदिक पीरियड को दिखा रहा है इसके अलावा बुद्धा और जैना सेजेस के बारे में हमने बताया सेकेंड ट्रैक्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया इसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे अंबेडकर जी थे ट्रेलर में बताया डेमोक्रेटिक सिंबल्स जैसे महाजनपद कितने महाजनपद थे आप बता सकते हो एंशियंट इंडिया में टोटल कितने महाजनपद थे तो ये महाजनपद है चैरियट ऑफ हम्पी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इलेक्शन है ये सब एलईडी स्क्रीन में बताया भारत द एंशियंट लैंड ऑफ विजडम भारत क्या है एंशियंट लैंड ऑफ विजडम है नॉट ओनली बर्थ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स बट ऑल्सो नर्चर द सीड्स ऑफ डेमोक्रेसी फ्लरिशिंग लॉन्ग बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकोगनाइज सिग्निफिकेंस सो दिस इज इंडिया इंडिया इज अ लैंड ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया इज अ लैंड ऑफ पीस इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर इंडिया इज अ लैंड ऑफ इंक्लूशन इंडिया इज अंड ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस तो टेब्लू में ये थ्री डी में सब बताया एलईडी लाइट्स थी एनामोफिक कंटेंट डिस्टोर्टेड इमेजनरी वैन अपियर्स नॉर्मल वैन व्यूट फ्रॉम अ पर्टिकुलर तो दिस इज टेक्नोलॉजी सो so, ये कल्चर का मिनिस्ट्री का था यस इनक्रेडिबल इंडिया है जेट इंजन डील विद फ्रांस विल गिव हंड्रेड परसेंट एक्सेस टू टेक दिस इज़ गुड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर ये जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है इसको बहुत केयरफुली गार्ड किया जाता है हमने भी कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी बट इतना सक्सेस नहीं मिला तो इवन जो हम अभी तेजस भी है इसमें भी जो इंजन है वो इम्पोर्टेड इंजन लगाते हैं हमारा खुद का इंडिजिनस नहीं है तो इंजन टू पावर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज इम्पॉर्टेंट तो ये साफरान और डीआरडीओ के बीच में डील होगा फ्यूचर फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये ए एम सी ए होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है द डेवलपमेंट ऑफ द ए एम सी एज प्लान इन टू फेजेस पहले मार्क वन होगा एफ फोर वन फोर इंजन और फिर मार्क टू होगा इसमें और पावरफुल इंजन विद द कोलेबोरेशन ऑफ फ्रांस हम बनाएंगे तो फ्रांस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का व्हेन इट कम्स टू डिफेंस कल मैं मैक्रो का भी स्टेटमेंट देख रहा था ही वाज सेइंग कि वो इनवाइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टू कम टू फ्रांस आप एजुकेशन के लिए फ्रांस में आइए दे आर लाइक इनवाइटिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू कम टू फ्रांस चंद्रयान हेल्प्ड मून लैंडर मेक पिन पॉइंट लैंडिंग जापान ने कहा अब देखो जा... तो दिस इज अबाउट कोलाबोरेशन दिस इज वॉट कोलाबोरेशन इज तो जापान ने क्या किया

ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाग का रूलिंग है देन ये यूक्रेन इशू है दिस इज हाईती इलीगल साउथ कोरिया प्रेसिडेंट देन दिस इज अलाबामा नाइट्रोजन गैस अब यूज होगी टू एग्जीक्यूट कॉन्विक एक बात आती है कैपिटल पनिशमेंट की वर्ड ना इसमें डिवाइडेड है इसका हम ये नहीं बोल सकते अभी जैसे इंटरव्यू में भी एक स्टूडेंट वज से कि वो एक मॉक इंटरव्यू के लिए गया था और वहां पे उससे पूछा गया कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें वर्ड डिवाइडेड है प्रो लाइफ भी है और प्रो पनिशमेंट भी है तो इसमें अभी हम कोई ओपिनियन ऐसा सच नहीं देंगे इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट होता है बट ये बहुत रेयर टू रेयर केस में होता है हम जस्ट लाइक दैट किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते हैं और कैपिटल पनिशमेंट में भी बहुत सारे सेफ गार्डस हैं प्रेसिडेंट मर्सी है अपील है क्यूरेटिव पेटिशन है, है ऐसे हैं तो फॉर नाउ इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट है एयरबस टाटा टू मतलब यूरोप फ्रांस फाइनल असेंबली लाइन होगी एयरबस का और हम जैसे बोइंग के प्लेन है एयरबस के प्लेन है ऐसे इंडिया में भी हम हेलीकॉप्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं वंस अगेन टाटा और एयरबस का यहाँ पर जॉइंट कोलेबोरेशन है ओ टू गेट हाफ ऑफ बजट प्रोविजन फॉर ग्रीन एनर्जी एल देन सी ये है कृत्रिम ये एक ए आई यूनिकॉर्न बना है इंडिया में दिस इज बैक्ड बाय ओला स्विगी 400 जॉब कट कर रहा है आईपीओ में आने के लिए व्हाट इज आईपीओ व्हाट इज आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई भी कंपनी होती है जब वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनती है स्टॉक मार्केट में अपने को रजिस्टर कराती है तो वो आईपीओ लाती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिस इज ब्रेक सिस्टम ऑर्डर मिला है देन आई टी सी इन्फोटेक डिजनी और जी का डील कैंसिल हो गया देन दिस इज स्पोर्ट्स सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर ये था सैटरडे अब हम आंसर राइटिंग देखते हैं ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी का ये आंसर आपको लिखना होगा प्रिपेयर अ नोट ऑन द सेवन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इसके पहले हमें अभी डिस्कस करना है सुभाष चंद्र बोस जी मेजर थीम्स ऑफ बांग्लादेश रिलेशन और वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया बचा था अभी ट्वेंटी फर्स्ट वेस्ट एशिया बचा था या हो गया था वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया हो गया था मेजर थीम्स ऑफ इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस, इज इट डन और नॉट नॉट डन वेस्ट एशिया नहीं हुआ था ना इसको डिस्कस नहीं किया था या कर लिया था इसको नहीं डिस्कस किया है अभी वेस्ट एशिया नहीं हुआ है तो देखो वेस्ट एशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे मैपिंग पे भी सवाल आएगा मेन्स में भी सवाल आएगा तो ये इंडिया है ये दिस इज एंटायर दिस इज वेस्ट एशिया तो देखो कितने अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट किया है काजल ने कि वॉट इज़ वेस्ट एशिया सबसे पहले डायग्राम होना चाहिए डायग्राम बनाते ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ये सीरिया है ये सिप्रस है ये लेबनान है पैलेस्टीन है जॉर्डन है दिस इस इज़ इज़राइल दिस इज़ अरब इस दिस इज़ इराक गुड डायग्राम वर्क प्रायोरिटी में सबसे शुरू में होना चाहिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ बताया आपने सिग्निफिकेंस क्या है एनर्जी इकोनॉमिक डायस्पोरा कल्चर वेरी गुड फिर हमने थीम्स बताई पहली लुक वेस्ट है दूसरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वंडरफुल पॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एनर्जी और डायस्पोरा बहुत अमेजिंग पांच पॉइंट हैं डायस्पोरा एनर्जी ह्यूमैनिटेरियन इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड लुक वेस्ट पॉलिसी गुड फिर वे फॉरवर्ड तो देखो कितना आसान है हम लोग सोचते हैं ना हम परफेक्ट आंसर लिखेंगे और उस परफेक्ट आंसर के लिए हम नॉर्मल आंसर भी नहीं लिख पाते अगर आप इस लेवल का आंसर मेंस एग्जाम में लिख दोगे ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे एज अ टीचर आती है ना वो ये होती है कि स्टूडेंट्स को साधारण चीज़ों में कैसे कॉन्फिडेंस दिलाओ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बिगर देन लाइफ पिक्चर का इमेजिन करते हैं बिगर देन लाइफ क्लासेस होनी चाहिए बिगर देन लाइफ बातें होनी चाहिए बिगर देन लाइफ ये वो और ऐसा कुछ होगा भी नहीं सो द थिंग इज़ कुछ भी नहीं करते हैं आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स दे वॉन्ट हाई फाई थिंग्स और उन हाई फाई थिंग्स में वो नॉर्मल चीज़ें भी नहीं करते हैं और सेलेक्शन में फिर डिफ़िकल्टी आता है तो यू डू द नॉर्मल थिंग्स बट विद ग्रेट कंसिस्टेंसी आपका सलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा हमें बचपन से ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है जब तक कोई मुश्किल नहीं हो रहा है बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं हो रहा है मतलब अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है जब आराम से चीज़ें हो रही है ईजी गोइंग चीज़ें हो रही है तो क्यों मुश्किल पैदा करना ईजी गोइंग में रोज़ आंसर्स लिखो यही आंसर्स आप मेन्स में लिख दो आपका सलेक्शन हो जाएगा एज अगर आपको प्रूफ करना है सलेक्टेड स्टूडेंट्स की कॉपी देख लो इसी लेवल के आंसर्स लिखते हैं वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होता है बट फाइव मेजर थीम्स है इंडिया वेस्ट का गुड दिस इज गुड एशियन रीजन है कोऑपरेशन है वेरी गुड डिफेंस है चैलेंजेस अभी अगले चार पांच महीने में आप इतना ज्यादा बर्नआउट फील करने वाले हो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लो भी फील होगा द थिंग इज यू हैव टू बी सेम और वो सेम तभी रहोगे जब आप आंसर लिखोगे रेगुलर रहोगे हंसते खिलते सिलेक्शन हो जाएगा डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स ओके विश्वजय दिस इज वेरी नाइस वेरी गुड आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आई एम वेरी हैप्पी विद यू वेणु दिस इज गुड वेनु ने भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया पार्टनरशिप रिलेशन फिर स्टेट सऊदी अरेबिया हम थोड़ा सा स्पेसिंग और दे है ना कंजेशन नहीं करें थोड़ा थोड़ा जगह लेके करें दो पैराग्राफ में जगह ज्यादा छोड़े हम पॉइंट्स आप एज यूजल अच्छे लिखते हो अंडरलाइन भी करना चाहिए हमें एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पॉइंट्स ताकि वो मोनोटोनस नहीं लगे हरजिंदर दिस इज गुड यहाँ इंडिया एंड वेस्ट एशिया बताया आपने दिस डायग्राम इज अगेन वंडरफुल पूरा वेस्ट एशिया है सिग्निफिकेंस क्या है देखो इससे क्या होता है एक एक प्रॉम्पनेस क्रिस्पनेस आ जाती है जैसे हरजिंदर ने देखो एरिया ऑफ कोऑपरेशन लिखा वन टू थ्री फिर चार पॉइंट्स बताए फिर इसके बाद नेक्स्ट चैलेंजेस बताए चार पांच छह सात पॉइंट्स बताए इससे क्या होता है ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नजर आती है कॉपी तो डू दिस नेहा ने जैसे डायग्राम देखो कितना अच्छा बनाया है डायग्राम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैपिंग तैयार हो जाएगा वेस्ट एशिया है पूरा गुड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है एनर्जी देखो कितने एक्सिलेंट पॉइंट्स है यहाँ पे दिस इज अ वेरी होलिस्टिक आंसर वंडरफुल नंदनी दिस इज गुड नंदनी भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है कल्चरल टाइज है फॉरेन पॉलिसी है एरिया ऑफ कोऑपरेशन है फेंटेस्टिक अर्चना दिस इज अगेन रियली गुड डायग्राम वर्क वंडरफुल हिस्ट्री है इवोल्यूशन है वंडरफुल एनर्जी है गुड मिलिट्री एक्सलेंट एक्सिलेंट पॉइंट्स है यहाँ पे पूजा दिस इज गुड डायग्राम वर्क शुरू पे है देन इंडिया एंड वेस्ट एशिया रेमिटांस कोऑपरेशन देन चैलेंजेस जियो पॉलिटिकल आ जाता है एनर्जी आता है एंड वेव ऑफ तो सी डू दिस एक्सरसाइज एंड इससे ट्रेमेंडस बेनिफिट आते हैं ट्रेमेंडस बेनिफिट आते हैं ऑलराइट सो दट ऑल फॉर टूडे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ है नाइस डे